इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूपी ने जारी की गाइडलाइन। बड़ी खबर, 31 मई तक उत्तर प्रदेश में भी अब लॉकडाउन रहेगा। यूपी में सिनेमा हॉल, मॉल, सभा हॉल ये सभी अभी बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी धार्मिक स्थल भी अभी इस दौरान बंद रहेंगे। 7 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लॉकडाउन अभी पूरे देश में 31 मई तक रहने वाला है, लेकिन हम आपको बताएंगे इस दौरान आपको कौन सी सेवाएं मिलेंगी, कौन सी सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, सभा हॉल ये अभी बंद रहेंगे। शाम 7 बजे से नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। सुबह 7 बजे तक खुलेंगे बाजार, लेकिन ये चर्चा से तय होगा कि कौन से बाजार को कब खोलना है, कहां पर अधिक भीड़ ना लगे, इस पर भी पूरी तरह से नजर रहेगी। लॉकडाउन 4 को लेकर यूपी सरकार ने भी कल के दिन देर रात पाबंदियों में ढील दी है। कई प्रतिबंधों को इस दौरान बरकरार भी रखा गया। मेट्रो और हवाई की सेवाएं अभी भी बंद हैं। ग्रामीण अंचलों में साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दे दी गई है। स्टेडियम, शैक्षणिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों को लेकर भी फैसला लिया गया है। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, प्रदेश में 31 मई तक कौन सी सेवाएं बंद रहेंगी वो भी आप देखिए। यूपी की गाइडलाइन क्या कहती है, ग्राफिक्स एक तरफ, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल आम लोगों के लिए अभी भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां लेकिन खुल सकेंगे, लोग काम पर जा सकेंगे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अनिवार्य है। अगर आप घर के बाहर निकलेंगे तो मास्क आप पहनिएगा। शर्तों के साथ लॉकडाउन 4 में ढील दी गई है। खुलेंगे स्टेडियम, लेकिन दर्शकों की वहां पर नो एंट्री। लॉकडाउन 4 को लेकर यूपी ने देर रात गाइडलाइन जारी की। बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध अभी भी लगातार बरकरार। मेट्रो रेल की सेवाएं अभी भी बाधित रहेंगी। सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और सभागार, असेंबली हॉल और अन्य इसी तरह की चीजों को खोलने पर पाबंदी रहेगी। स्कूल, कॉलेज और सभी धार्मिक स्थल भी इस दौरान बंद रहेंगे। एक एक पॉइंट आप समझिए। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। इस दौरान आपको घर में ही रहना होगा, बाहर आप ना निकले। इस दौरान कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी फैक्ट्रियां खुल सकेंगी, अब आप काम पर भी जा सकेंगे, लेकिन सुबह 7 बजे तक, शाम 7 बजे तक ही घर के बाहर आप निकल सकेंगे। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, यूपी ने गाइडलाइन जारी की है, योगी आदित्यनाथ की सरकार, देर रात इन्होंने गाइडलाइन जारी किया ताकि लोगों को थोड़ी राहत मिले और राहत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश लगातार जारी है। समस्त सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन ये सेवाएं भी अभी बंद रहेंगी। राज्यों की आपसी सहमति के साथ यात्रा वाहनों और बसों का अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए भी सभी अनुमति अभी नहीं है। निर्देश इस पर बाद में जारी किए जाएंगे। 31 मई तक यूपी में अभी लॉकडाउन रहेगा, उसी को लेकर ये गाइडलाइन जारी की गई है जो आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। कैसा होगा लॉकडाउन 3.0 जो अब बीत चुका है, उसके बाद का कैसा रोडमैप है पूरा, लॉकडाउन 4.0 की गाइडलाइन क्या कहती है ये आप देखिए। स्कूल, कॉलेज और सभी धार्मिक स्थल इस दौरान बंद रहेंगे। पाबंदियां अभी भी बरकरार हैं, लेकिन हाँ, थोड़ी ढील इसलिए दी जा रही है ताकि लोगों को राहत मिले। जनता परेशान है, लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कई लोगों की नौकरियां भी चली जा रही हैं, तो इसी को देखते हुए थोड़ी अब ढील दी गई है ताकि लोग जाएं, काम करें और लोगों के पास चंद पैसे भी आएं। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।